वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, भारत संसार के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी यह आशा हुई कि हम शांति स्थापना के हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्ध बंदियों के भविष्य के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक उनकी देखभाल के लिए संरक्षण सेना वहां भेजी। दुर्भाग्यवश विराम संधि समझौते में सुझाई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गई। कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम समाप्त कर देगा और संरक्षण सेना अब धीरे धीरे भारत वापस आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवादग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अथवा कहीं और इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जाएगा। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षण सेना के अधिकारियों तथा सिपाहियों की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निष्पक्षता के साथ निभाया। विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं, यद्यपि कभी कभी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणाम स्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे, पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता
परंतु उस दिशा में यह पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। अपने पड़ोसी राष्ट्रों श्रीलंका तथा बर्मा से, जिनके साथ हमारे भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रयत्न करती रही है। पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गए हैं। स्टॉप।